हेलो गाइस, तो एक बार और फिर दोबारा आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित चौधरी और आप देख रहे हो आपका अपना टेक चैनल रिच काइंड चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही ख़तरनाक सा प्रोडक्ट जो कि मदरबोर्ड है, जो ज़ेब्रोनिक्स कंपनी के तरफ से आने वाला है। मैंने इसे मंगवाया है ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट से नहीं, अमेज़ोन से मंगवाया है। तो आपको अगर चाहिए इसे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहां जाके भी इसे बाय कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं इसे अनबॉक्स। तो अनबॉक्स करने से पहले हम पहले इस बॉक्स को चारों तरफ से निहारेंगे। अगर आपको निहारेंगे समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूं, ये इसकी बिहारी भाषा है निहारना, और इसे हिंदी में भी कहते हैं निहारना, मतलब देखना। यहाँ पे हमें सपोर्टेड CPU सीरीज CPU चिपसेट इंटेल H61। यहाँ पर आप मेमोरी जो है अप टू 16 GB तक लगा सकते हो, और जो मेमोरी सपोर्टेड है 2 DDR3 डुअल चैनल रैम स्लॉट, यानी कि दो है DDR3 के डुअल चैनल सपोर्ट रैम है। ठीक है, मैं आपको वहाँ पर दिखा दूँगा कि कहाँ पर क्या चीज़ है। अभी तो मैं दोस्तों एक बहुत ही ख़तरनाक पूरी फुल वीडियो लेकर आने वाला हूँ, आप अपने आप से एक CPU को असेंबल कैसे कर सकते हो ISO 9001 से 2015 सर्टिफाइड कंपनी है, तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, शक वक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी जो है ब्रांड वाली कंपनी है। ठीक है, तो H61 चिप सेट है इसका, सपोर्टेड DDR3 रैम, 5.1 ऑडियो लैन है, 4 SATA, जो 4 SATA वो होते हैं वो भी है इसमें, आप इसके अंदर 4 SATA केबल ला सकते हो, और ये PCIe, इसमें आपको एक HDMI पोर्ट दे रखा है, एक VGA पोर्ट दे रखा है, 6 USB दे पोर्ट दे रखे हैं 2.0 के, और 1 दे रखा है आपको RJ45 पोर्ट, और एक दे रखा है 3-in-1 ऑडियो पोर्ट, और एक तरखा है 24 पिन ATX पावर कनेक्टर, और एक तरखा है 4 पिन पावर कनेक्टर, 2 USB, 4 USB। आपको मैं इसे दिखा देता हूँ खोल कर, या आप फालतू में क्या आपका टाइम बर्बाद हो। दोस्तों, आप देख सकते हो कितनी मेहनत लगती है वीडियो को उठाने में, अगर आपके हाथ में एक कैमरा पकड़ा हुआ आपने तो देख रहे हो दोस्तों। खुल भी चलिए इसको ओपन कर देते हैं, इसे ओपन करने में ज़्यादा रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, यहाँ से आप इसे ऐसे करोगे और ये आराम से ओपन हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए ये मामला आराम का नहीं लग रहा, क्योंकि यार दोस्तों आप देख सकते हो भाई साहब इतनी यार ये एक यहाँ से तो खुल ही नहीं पा पाएगा, कैसे करेंगे यार, खुल जा। दोस्तों आप देख ही सकते हो, ये एक हाथ से तो खुलना लग रहा है नामुमकिन ही हो चुका है, तब भी आपका भाई हार मानने वालों में से नहीं है। ये हुई ना बात, ओए होए, यहाँ पर तो ऐसे की तैसी हो रखी है भाई साहब। ये हमको दे रखा था 60 केबल, जो कि रख देते हैं इसे यहाँ पे, और ये हमें दे रखा है कैबिनेट का पुर्जा जो कि हमें लगाना है अभी। ये जितने भी नट वट सब छितर चुके हैं, अभी मैं इसको बैकिंग करूँगा, लेकिन आपको पहले मैं दिखा दूँ वीडियो। अरे यार, ये सब मेरी वीडियो में होना था, कोई बात नहीं दोस्तों, होता रहता है वीडियो में तो सब चीज़। हाँ, अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने भाई की मेहनत तो देख सकते हो, तो मेन माल तो अंदर है जो कि ये मदरबोर्ड है, बाकी सब तो ऐसे ही हैं वही हैं। ये निकला बाहर, और जैसे कि सभी लोग कहते हैं कि जो मदरबोर्ड का सही जगह रखने का है उसका डिब्बा काफ़ी ज़्यादा बेहतर जगह है, ये मैंने आज पता कर ही लिया है। तो चलिए इसे थोड़ा खोल लेते हैं, मैं पहले खोल लूँ। तो
जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, ये रहा हमारा पूरा का पूरा मदरबोर्ड है। और मैं आपको इसकी पूरी की पूरी जानकारी बताऊंगा कि आपको कहाँ पे लगाना है क्या चीज़। तो ये दे रखा है आपका, जैसे कि उसने बताया था बोर्ड के डब्बे के ऊपर दो रैम का, ये है दो रैम लगाने की पोर्ट्स। यहाँ पर आप DDR3 के 4 GB के आप दो या फिर 8 GB के दो रैम आराम से लगा सकते हो। और यहाँ पर आपको दे रखा है ग्राफिक कार्ड लगाने वाला, और यहाँ पर आपको दे रखा है, आपको यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स लगाने के लिए दे रखे होते हैं। और यहाँ पे आप लगाओगे अपना मेन प्रोसेसर, जो अगर ना हो तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो। और यहाँ पे आपको बहुत सारे दे रखे हैं, इसको उठाना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है, अगर थोड़ा सा भी टूट टूट गया तो फिर आपका पैसा गया। और हाँ दोस्तों, पैसे की बात आ चुकी है तो मैं आपको बता दूँ, ये मुझे पड़ा है 3600 रुपये का, 3600 कुछ रुपये का, जो कि मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा है। तो आप अगर चाहते हो ख़रीदना तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप आराम से जाके वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आप इसे आराम से ख़रीद सकते हो। और दोस्तों, वीडियो में देखने आगे मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन सी असेंबल वाली वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें आप अपने अकेले अपने आप ही एक CPU यानी कि PC को असेंबल कर पाओगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को बंद कर देते हैं अब, और चैनल पर नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया अगर आपको ऐसी बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो देखनी है तो।